विस्टीरिया रोग, जिसे हम हिंदी में मूर्छा रोग के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें जो मरीज है उसको विचित्र प्रकार के दौरे हैं वो पड़ते हैं। ये दौरे मिर्गी से मिलते जुलते हैं, पर मिर्गी यानी एपिलेप्सी नहीं है, पर कंडीशन सेम होती है। यानी ये दौरे मिर्गी के दौरे से अलग होने के साथ साथ मरीज को एक भ्रम होता है, वह बेहोश बेहोश है, भ्रम यानी उसको भ्रम है। भ्रम की स्थिति में उसको ऐसा लगेगा कि वह बेहोश है और उसे दिखाई नहीं दे रहा, और साथ में हाथ और पैर काम नहीं कर रहे, उसे दौड़ा जो है वो पड़ रहा है। तो इस तरीके की स्थिति हिस्टीरिया डिजीज में हो सकती है, जिसमें उसके हाथ पैर लगातार हिल रहे हैं, उसको ऐसा महसूस होगा जो भ्रम उसके मन में होता है वैसा ही वह करने लगता है इस रोग में। तो इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और इस क्या कारण हो सकता है? तो ये समस्या डिप्रेशन की वजह से हो सकती है या फिर गंभीर सदमा लगने की वजह से भी, यानी मूर्छा रोग यानी हिस्टीरिया रोग होने के चांसेस रहते हैं, या फिर सेक्स की जो फीलिंग है उसको दबाने के कारण भी यह बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो इसके कारण हो गए। लक्षण की बात करें तो अचानक हंसना या रोना, ये हिस्टीरिया यानी मूर्छा रोग के लक्षण हैं। रोशनी से चिढ़ना और तेज आवाज उसको पसंद ना आना, यानी तेज आवाज उसको जो है बर्दाश्त ना होना, यानी जो आवाज है उससे दूरी बना के रखना, और रोगी के सिर और छाती और रीढ़ के हड्डी और कंधे की मांसपेशियों में तेज दर्द होना, इस तरीके के लक्षण इस रोग में हो सकते हैं। और दौरे आने पर चीखना चिल्लाना, इस तरीके की समस्या हो सकती है। और अचानक हाथ पैर में ऐंठन होना, यानी इस रोग के लक्षण हैं। इस बीमारी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? तो मैंने कई तरीके के एंटी डिप्रेशन टेबलेट और नार्कोटिक जो दवा है उसके ऊपर वीडियो बनाए थे, पर कुछ समय से अभी जो है स्ट्राइक आ रही है, तो मैं इस तरीके की दवाएं अपने वीडियो में नहीं यानी बता सकता। तो अगर आपको इसी यानी इस बीमारी से जुड़ी कोई आपको समस्या है, या माइंड से जुड़ी जैसे डिस्थीमिया, सिजोफ्रेनिया, पार्किंसन, माइग्रेन, मेजर माइग्रेन, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आपकी हिस्ट्री यानी अगर आपकी मेडिकल कोई रिपोर्ट है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं 100% तो नहीं कह रहा, पर आपकी स्थिति में सुधार हो जाएगा और आप पहले की तरह, यानी आप अगर चक्कर लगा लगा कर हॉस्पिटल में परेशान हो चुके हैं, कई तरीके के न्यूरो सर्जन को आपने दिखाया है, उसके बावजूद भी आप यानी ठीक नहीं हुए हैं, ठीक होने के बाद यानी आपको दोबारा इस तरीके की प्रॉब्लम होने लगी है, यानी इस रोग को छोड़कर दिमाग से जुड़ी अन्य कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको मेडिसिन और सही जो सलाह है वो आपको दूंगा, किस तरीके की आपको दवा लेनी है, क्या डोज होगा, कितने दिन तक आपकी स्थिति में सुधार होगा, क्या उस जिस तरीके की बीमारी को पूरी तरीके से जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।